Hello everyone, this is Harsh Jain, a proud FinTrammer and a faculty for Financial Accounting. Welcome to FinTram's Financial Accounting Memory Aid series. As you know, there are so many concepts and so many topics in financial accounting which is hard to memorize, and it is really important for the purpose of financial accounting exam. So what FinTram has done, we have created some small videos which will help you to memorize such concept, and it will also help you when you are about to take your exam to get a quick review. So let's see what our today's topic is all about. Seems you are liking the video. If yes, then why don't you subscribe to our channel FinTram Global to keep getting all these videos and the updates. Do press the like button, my friend. It really motivates us, and share it with all your friends. Our today's topic is about using direct method in operating activities. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे रिलेटेड है हमारा कैश फ्लो से. कैश फ्लो एज एन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इसके ऊपर अच्छे से लेक्चर में बहुत सारी डिटेल्स देखी थी और काफी सारे क्वेश्चन देखे थे अपने क्वेश्चन मैराथन में, और इनको अच्छे से सॉल्व किया हुआ है. प्रॉबेबली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, कैश फ्लो की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसके दो मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है. मोस्टली स्टूडेंट्स किस पर फोकस करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड पर, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है किस मेथड से रिलेटेड, डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं है तो आप प्रॉबेबली मिस्टेक कर सकते हैं. लेकिन हम अपने कंसेप्ट को अच्छे से कवर करेंगे तो कोई मिस्टेक्स नहीं होगी. तो हम देखते हैं कि हमारे डायरेक्ट मेथड में इंक्लूड क्या होता है. हमारे डायरेक्ट मेथड में आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स. जो हमारा डायरेक्ट मेथड है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, उसमें सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, जो भी कैश रिसीव्ड हुई है. किससे रिसीव्ड हुई है, कस्टमर से. कोई भी एक्रूवल नहीं है यहाँ पर, जो भी हमारा कैश रिसीव्ड हुआ है हमारे कस्टमर से उससे स्टार्ट करेंगे. इसमें लेस क्या करेंगे, इसमें कैश पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज, जो भी हमने कैश पे किया है सप्लायर्स को या फिर एम्प्लॉयज को, वो हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे. उसके बाद क्या डिडक्ट करेंगे, इंटरेस्ट पेड. अगर हमने कोई इंटरेस्ट पे किया है पूरे ईयर में, इंटरेस्ट किस पे पे करते हैं हम इंटरेस्ट पे करते हैं अपने लोन्स पर. इंटरेस्ट पे कर सकते हैं लोन स्टॉक्स पर, या कोई और बोरोइंग्स है जिस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो भी हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे. फिर हम डिडक्ट करेंगे इनकम टैक्स पेड. कोई इनकम टैक्स पे किया हमने ईयर में तो वो भी हम अपने रेवेन्यू जो हमारा कैश रिसीप्ट है उसमें से डिडक्ट करेंगे. और ऐड करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड. अगर हमने किसी को लोन दिया है या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट किया है जिससे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम इसको अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे और इससे हमारा कैश फ्लो निकल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसको अच्छे से याद रखना है, और अगर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसको अच्छे से कवर करना है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक एंड so many questions related to this topic in our question marathon, और काफी सारे क्वेश्चन देखे थे हमने लेक्चर्स में. सो आपको क्या करना है, इन सबको देखना है और अच्छे से इसको कवर करना है. I hope you like my videos. If you wanna keep watching such videos, then please subscribe FinTram YouTube channel and press on bell icon. So whenever we post anything, you will be the first person to know it. With this, I'm Harsh Jain signing off now.